निवेदिता। पहले बेगुनाह किसान सरबजीत, फिर व्यापारी कुलभूषण जाधव और अब राजू लक्ष्मण। ये उन बेगुनाहों के नाम हैं जिन्हें पाकिस्तान ने पकड़ा और अपनी काल कोठरी में डाल दिया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये भारतीय थे। समझ नहीं आता आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान इन बेगुनाहों को पकड़कर आज तक कुछ भी साबित नहीं कर पाया है। हाँ, लेकिन सरबजीत और कुलभूषण जाधव के वीडियो जरूर दिखाए हैं जिनमें वो ये कबूलते हैं कि वो भारत के जासूस हैं। इस बात की सच्चाई से तो सभी वाकिफ ही हैं कि पाकिस्तान द्वारा दी गई उन फुटेज में कितनी सच्चाई है। लेकिन अब पाकिस्तान ने बुधवार को पंजाब प्रांत से एक भारतीय जासूस को पकड़ने का दावा किया है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कथित जासूस ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो भारत का रहने वाला है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी पुलिस ने बताया कि पकड़े गए भारतीय जासूस की पहचान राजू लक्ष्मण के रूप में हुई है। राजू को लाहौर से 400 किलोमीटर दूर डेरा गाजी खान जिले के राखी गज इलाके से अरेस्ट किया गया। पुलिस का दावा है कि घटना के समय राजू लक्ष्मण बलूचिस्तान से डेरा गाजी खान जिले में दाखिल हो रहा था। अब जब पाकिस्तान ने एक और भारतीय नागरिक को पकड़ ही लिया है तो यहाँ पहले पकड़े गए सरबजीत और कुलभूषण जाधव के बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कुलभूषण जाधव और सरबजीत की सच्चाई क्या थी। अगर सरबजीत की बात करें तो सरबजीत पेशे से किसान था, ट्रैक्टर चलाकर अपनी आजीविका चला रहा था और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। एक दिन शराब के नशे में भारतीय सीमा पार कर पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गया। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया और पहचान बदल कर आतंकी घोषित कर दिया। इस मामले में पाकिस्तान के कई फर्जीवाड़े भी सामने आए। पाकिस्तान ने अदालत में सरबजीत का जो पासपोर्ट दिखाया उस पर फोटो सरबजीत की थी लेकिन नाम खुशी मोहम्मद का था। सरबजीत सिंह को रॉ का एजेंट बताते हुए उन्हें लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद बम धमाकों का आरोपी बनाया गया और अक्टूबर 1991 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में कूटनीतिक कारणों से इस फांसी को अनिश्चितकाल तक के लिए टाल दिया गया। तब से भारत के लोगों में ये उम्मीद जगी कि सरबजीत सिंह रिहा होकर एक दिन जरूर वापस आएंगे, लेकिन आखिर में आई उनकी मौत की खबर। 26 अप्रैल को लाहौर के कोट लखपत जेल में उन पर जो हमला हुआ वो जानलेवा साबित हुआ और 2 मई 2013 को सरबजीत इस दुनिया को छोड़ गए। कुलभूषण जाधव की कहानी सरबजीत से थोड़ी अलग है। 1970 में जाधव का जन्म महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। इन्होंने 1987 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लिया और 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद ईरान में अपना व्यापार शुरू किया। 29 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने इन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार बताया। वहीं भारत सरकार का दावा है कि इनका ईरान से अपहरण हुआ है। 11 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट द्वारा इन्हें मौत की सजा सुनाई गई जिसका भारतीय केंद्र सरकार और भारतीय जनता द्वारा विरोध किया गया। भारतीय सरकार ने यह मामला आईसीजे में उठाया तब जाकर जाधव की फांसी पर रोक लगी। यह आपको यह भी बता दें कि इस मामले की सुनवाई में 16 जज शामिल थे जिनमें से 15 ने जाधव के पक्ष में अपना फैसला सुनाया जबकि एक जज ने जाधव के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि यह जज पाकिस्तान से ही था। और अब पाकिस्तानी सेना ने राजू लक्ष्मण को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कथित जासूस ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो भारत का रहने वाला है। पीटीआई के मुताबिक राजू लक्ष्मण को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है जहां पाकिस्तानी एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में क्या होगा ये तो सभी जानते ही हैं। राजू को टॉर्चर किया जाएगा और फिर एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें राजू अपने आप को हिंदुस्तान का जासूस बताता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के पास बस यही एक हथकंडा है, इसके अलावा और है ही क्या। पहले सरबजीत फिर जाधव को लेकर पाकिस्तान ने भारत को घेरना चाहा लेकिन हर बार मुंह की ही खाई है। हालांकि अब देखना होगा कि सरबजीत और कुलभूषण केस की तरह ही अब राजू के मामले में आगे पाकिस्तान कितने और ड्रामे बनाकर तैयार करता है।